पूजा के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज गिल के साथ एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया था, जिसका गाने का नाम था भुला दूंगा। इस गाने को हमेशा की तरह इनके फैंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया। सिद्धार्थ अब एक और सिंगल ट्रैक में नजर आने वाले हैं, जिसका नाम है दिल को करार आया। इसमें नेहा शर्मा उनके अपोजिट है। गीत का पहला पोस्टर सामने आ चुका है और ये रोमांस का ये जो सार भरा है रोमांटिक पोज सिद्धार्थ और नेहा का, ये बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं उनके फैंस और साथ ही बेसब्री से इंतजार है इस गाने का। बता दें कि सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर का पहला लुक शेयर किया है। सिद्धार्थ ने इंडस्ट्री के में सबके दिलों पर राज कर लिया है। सिद्धार्थ ने हाल ही में अपने आने वाले म्यूजिक से अपना पहला BTS पोस्टर शेयर किया है, जिसको फैंस ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, उसे पसंद किया है। फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है सुशांत और नेहा के इस म्यूज़िक का। साथ ही नेहा के साथ उनकी ये जोड़ी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। बता दें कि पोस्टर में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पोज में है और इस गाने से पता चलता है कि ये गाना बेहद ही रोमांटिक होने वाला है। जिस तरीके से सिद्धार्थ और नेहा की केमिस्ट्री इस गाने में दिखाई दे रही है, उसके बाद से फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अभी तक सबने सिद्धार्थ की केमिस्ट्री रश्मि देसाई के साथ दिल से दिल तक में देखी थी, बिग बॉस 13 के घर में शहनाज गिल के साथ देखी थी और अब सिद्धार्थ शुक्ला की ये केमिस्ट्री उन्हें दिखाई देगी नेहा शर्मा के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि हैंडसम हंक द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर सिद्धार्थ को एक ब्लैक कलर के आउटफिट में डांस करते हुए देखा गया था, क्योंकि वो एक बगीचे में कैमरे को लेकर पोज देते नजर आए। वहीं काले रंग की टी शर्ट और काले रंग का लोअर के साथ सिद्धार्थ का ये लुक पूरी तरह से लोगों का होश उड़ा देगा। इस बीच भुला दूंगा के फैंस का भी बहुत ज़्यादा प्यार सिद्धार्थ शुक्ला को मिला। तो ये है सिद्धार्थ शुक्ला का म्यूजिक, जहाँ पर उनकी ये म्यूजिक एल्बम आने वाली है बहुत जल्द नेहा शर्मा के साथ। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसी एल्बम के पोस्टर सामने आते ही इस पर रिएक्ट किसी और ने नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला की दिल की सबसे ज़्यादा करीब शहनाज गिल ने दिया है, जहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि मुझे नेहा के साथ सिद्धार्थ को देखकर बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, बल्कि मैं खुश हूँ कि सिद्धार्थ अपने करियर में आगे बढ़ रहा है और उसे उसकी ज़िंदगी में उसके करियर में तरक्की मिल रही है। नेक्स्ट लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।